नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आईएएस मेंस एग्जामिनेशंस के लिए जो दूसरा कंटेंट हमने सोचा है, जो रिलेवेंट है, बड़ा चर्चित टॉपिक है देश में, ये है जीसीटी। ये जीसीटी क्या है, ये टर्म अभी नया आया है और इसका इनॉग्रेशन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था। जीसीटी है गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल। गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल नाम से थोड़ा एकदम आपको कैची नहीं लगेगा कि इसका मीनिंग क्या है। बेसिकली ये नाम जो है नया है और ये नया नाम जो है बाकी पुराने कंसेप्ट को मिला करके दिया गया है। ये सारे पुराने कंसेप्ट क्या थे, जिसको बोलते थे हम लोग पीएफटी, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल। प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल में इनलैंड कंटेनर डिपो, कुछ लोग उसको आईसीडी कह देते थे, कुछ लोग डीसीडी कहते थे, चूंकि वहां पे डोमेस्टिक कंटेनर ही डील होते थे तो उसको डीसीडी कह देते थे। उसी का एक नाम था मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, MMLP, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो ये सारे नाम जो इसका एक दूसरा नाम भी हुआ करता था ड्राई पोर्ट, जहां पे कोस्टल पानी वाला ना हो तो ड्राई पोर्ट। तो ये सबको मर्ज करके एक नया नाम आया, गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल, जो गवर्नमेंट ने नाम दिया। अभी गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल है क्या, बेसिकली आपको पता होगा कि हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो 12-13% है, जो कि बहुत ज्यादा है। लॉजिस्टिक कॉस्ट, लॉजिस्टिक कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में 12-13% आज की डेट में है, जो कि बहुत ज्यादा है, और बाकी विकसित देशों में सिंगल डिजिट में 5-7%। ये 12-13% जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ये लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे एक्सपोर्ट को, हमारे निर्यात को महंगा कर देता है, क्योंकि ये डिराइव्ड डिमांड से क्रिएट होता है, जो ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक जिसे कहते हैं। तो वो हमारा जो प्रोडक्ट है महंगा हो जाता है, और महंगा क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर ही 12-13% कॉस्ट जो है उसका लॉजिस्टिक का आ जाता है। इसके वजह से एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है हमारा, और हमारे एक्सपोर्ट उतने क्वांटिटी में नहीं हो पाते जितने होने चाहिए, क्योंकि मार्केट, ग्लोबल मार्केट में हमारा प्राइस बढ़ जाता है। तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो जीसीटी ही है, गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल। इसको पीएफटी कहिए, आईसीडी कहिए, डीसीडी कहिए, एमएमएलपी कहिए, लॉजिस्टिक कहिए। लॉजिस्टिक का मतलब ही होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो एक्टिविटीज है, उस एक्टिविटीज को सम्मिलित रूप से, कंप्रिहेंसिव रूप से उसे लॉजिस्टिक कहते हैं, जिसमें प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन पॉइंट से लेके किसी वेयर हाउस में ले जाना, वेयर हाउस के बाद किसी दूसरे पार्क, जीसीटी टर्मिनल पे ले जाना, वहां से इसे ट्रांसपोर्ट करना, फिर वहां पे इसे अनलोडिंग करके वेयर हाउस में रखना, फिर वेयर हाउस में रखने के बाद कस्टमर के सेंटर पे फाइनली पहुंचाना। तो ये जो चेन एक्टिविटीज ऑफ चेन है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने और उसको जो है उपभोक्ता तक, अंतिम उपभोक्ता के दरवाजे पे देना, इस कॉम्प्रिहेंसिव चेन को हम लॉजिस्टिक कहते हैं। बेसिकली इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्लस वेयर हाउसिंग, गोदाम, और प्लस जो है उसका मल्टीपल हैंडलिंग अगर हो रहा है, कईयों में डोर टू डोर में एक ही जगह कंटेनर में लोड हुआ, फाइनल जाके डेस्टिनेशन पे दरवाजे पे पहुंचा। तो इस लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का कंसेप्ट ले आई, जिसमें प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल, आईसीडी, इनलैंड कंटेनर डिपो, एमएमएलपी, और ये डीसीडी का जो सम्मिलित रूप है वो जीसीटी को दिया गया। अब इसमें करना क्या है, तो सरकार इसके लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रही है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का पर्पस ये है कि हमारे पास जो उत्पादन हो रहा है उसको जो है सही जगह हम स्टैक कर सके, वेयर हाउसिंग कर सके, और जरूरत के हिसाब से हम उसको जो है आगे भेज सके। तो हमारे यहाँ अभी तक जो ये लॉजिस्टिक पार्क
हुआ करता था वो रेलवे सिस्टम से जुड़ा रहता था। तो रेलवे सिस्टम से जुड़ने के बाद उसमें प्रॉपर जो हैंडलिंग होना चाहिए वो नहीं होता था, जहां वेयर हाउसिंग होना चाहिए ओपन में पड़ा हुआ, साइडिंग में पड़ा हुआ है। तो उन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बनाने के लिए ये सब गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का कंसेप्ट आया। तो ये जीसीटी अभी तक जो है रेलवे से जुड़ा था, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अब ये नेशनल हाईवे से भी जुड़ने लगा है। पहला MMLP असम में आ रहा है जो रोड से कनेक्टेड है खाली, और दूसरा जो लोकेशंस डिसाइड कर रही है सरकार वो पूरे देश में 35 ऐसे लोकेशंस पे बनाने का टारगेट है जो रोड से जुड़ा होगा, रेल से भले ना जुड़ा लेकिन रोड से जुड़ा होगा, वो संख्या 35 है। और हमारे रेलवे सिस्टम पे 100 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाने का प्लान है अगले 2 सालों में। तो ये गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल जो बनेगा उसको हम MMLP के रूप में जानेंगे, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के रूप में। उससे फायदा क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है इंडस्ट्री से निकलेगा तो जहां वेयर हाउसिंग की जरूरत है वहां जाके स्टैक हो जाएगा, फिर जब फाइनल डिमांड जहां आएगी वहां पे डिस्पैच होगा। और इस क्रम में जितने टर्मिनल्स हमारे MMLP के बनेंगे उसमें सारी सुविधाएं, सारे कंटेंट्स उसमें होंगे, जैसे पार्किंग की सुविधा, पेट्रोल पंप की सुविधा, रहने की सुविधा, ड्राइवरों का एक्सचेंज होने के लिए रेस्ट रूम की सुविधा, छोटी मोटी डिस्पेंसरी, छोटे मोटे रेस्टोरेंट, यानी जितनी जरूरत की चीजें हैं एक वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की एक्टिविटीज में जो जो चीजें उसमें चाहिए वो सब कुछ उस MMLP में प्रोवाइड किया जाएगा। तो गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाने के पीछे सरकार की मंशा ये थी, ये है कि हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस हो, कम से कम हो, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और ये कॉस्ट जो ओवरहेड कॉस्ट है वो मिनिमम हो सके। तो आप समझ गए कि गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल, ये नया टर्म जो इस साल यूज हुआ है, ये बेसिकली क्या है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है और इसके ऊपर क्या काम देश में चल रहा है। इतना जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच।